तो नमस्ते, आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे रोमांचक मैच की जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। यह मैच हर एक फैन को महत्वपूर्ण है, जिसमें कल जो मैच हुआ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, अहमदाबाद ने इंडिया जीत गया। वाओ, तालियां। इंडिया जीत गया क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम का परफॉर्मेंस, बॉलिंग, बैटिंग सब कुछ बेस्ट था दोस्तों। तो आइए डिटेल में बात करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के बारे में और इंडियन क्रिकेट टीम हमारी वर्ल्ड कप जीतेगी कि नहीं, क्योंकि कंटिन्यूसली तीन बार तीन क्रिकेट मैच, जो भी ऑस्ट्रेलिया है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान को भी कल हरा दिया है। ये देखिए दोस्तों, अहमदाबाद क्रिकेट ग्राउंड, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कितना जन सैलाब है इंडियन फैंस का। सब जगह ब्लू ब्लू और हमारा तिरंगा ही दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो चीयर अप इंडिया क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप के लिए। दोस्तों, जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच था, मैच शुरू होते ही जो टेंशन है दोनों जगह हवा में मिल गया, क्योंकि हमारे जो ओपनिंग बैट्समैन मिडल ऑर्डर और बॉलर से बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है दोस्तों। कल की जो मैच थी अहमदाबाद में, उसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ने 192 रन्स बनाए, जिसके सामने इंडिया ने 193 आसानी से बना दिए दोस्तों। इस मैच में कुछ की परफॉर्मेंस थे जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, जिन्होंने अपनी बॉलिंग के दम पे तो यार पहले ही ओपनिंग बैट्समैन को पाकिस्तान को बोल कर दिया। वेरी नाइस बैटिंग इंडियन टीम। बाबर हो, रिजवान हो या कोई भी बैट्समैन हो, पाकिस्तान का नहीं टिक पाया इंडियन बॉलिंग के सामने। बहुत ही लोवेस्ट रन दे दिए उन लोगों ने, 50 ओवर में 191 रन, जो आसानी से इंडियन क्रिकेट टीम ने हमारे चेस कर लिए, 3 विकेट गंवाए, जिसमें रोहित शर्मा ने 85 रन बनाए, श्रेयस अय्यर ने भी अपने 50 बनाई और बाकी तो विराट कोहली और केएल राहुल ने थोड़े बहुत रन बना के इंडियन क्रिकेट टीम को जिता दिया दोस्तों। विकेट की बात कीजिए तो दोस्तों, हमारे में मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट लिए, हार्दिक पंड्या ने भी 2 विकेट लिए, बुमराह ने 2 विकेट लिए, कुलदीप यादव ने भी 2 विकेट लिए और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया हमारी टीम। रोहित शर्मा की कैप्टनशिप में कैप्टनी पारी, बहुत ही जोरदार कैप्टनशिप पारी के लिए रोहित शर्मा ने 85 रन बनाए कैप्टन ने ओपनिंग में ही, और मज़ा आ गया आज का मैच देख के दोस्तों, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का। तो यही जज्बा, यही क्रिकेट का जो हमारा जुनून है वर्ल्ड कप की ओर, कंटिन्यूसली ऐसा ही रहना चाहिए दोस्तों। तो चीयर्स अप कीजिए इंडियन क्रिकेट टीम को हमारी, और वर्ल्ड कप ज़रूर जीतना है। मैच शुरू होते हैं दोस्तों, पूरे देश में दिवाली, दशहरे के पहले ही दिवाली हो गई दोस्तों। क्या पटाखे फूट रहे थे, बम फूट रहे थे, हम लोगों ने भी बहुत एक्साइटमेंट में डीजे में डांस वांस किया, बहुत मज़ा आया दोस्तों। इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के सामने जब जीतती है तो देश में दिवाली बन जाती है दोस्तों, बहुत मज़ा आया। आई लव इंडियन क्रिकेट टीम दोस्तों, ये क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप ज़रूर लेके आएगी 2023 का। 8वीं बार वर्ल्ड कप में इंडिया ने पाकिस्तान को धूल चटके दोस्तों, 8वीं बार। तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखना पड़ेगा दोस्तों। मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फाइनल हो, आप क्या चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यही इंडियन क्रिकेट टीम है जिसने सबको धूल चटाई, यह एक ऐतिहासिक जीत है दोस्तों। तो ज़रूर चीयर अप कीजिए इंडियन क्रिकेट टीम को, जब तक वर्ल्ड कप हाथ में नहीं आता तब तक, और बहुत मज़ा आएगा आगे के मैच भी देखने में दोस्तों। हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू।